कहते हैं मैं राजद में कभी नहीं जाऊंगा, पान की दुकान खोल लूंगा। उनके कारण श्रीमान लालू प्रसाद यादव जेल भी गए हैं। आज उस लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को महान बता रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता से प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर। क्या थाने के अंदर किन लोग की बैठकी होती है, ये गोली लगने वाले का रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। महागठबंधन की सरकार का एक साल पूरा होने पे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वीएस सिन्हा ने बड़ा हमला बोला और साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पे है। बिहार में दारू माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया की भागदारी सरकार के लिए समझौता बन गई है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पे भी जमकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष वीएस सिन्हा, और साफ साफ कह रहे हैं कि ललन सिंह ने कहा था कि पान की दुकान खोल लेंगे, पान बेच लेंगे, लेकिन राजद के साथ नहीं जाएंगे। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। राजनीतिक अस्थिरता से प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर। सरकार में बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया की भागीदारी, आज खुल करके सत्ता के लिए समझौता, और ये सरकार जांच करे, रिपोर्ट कार्ड जारी करे। क्या थाने के अंदर किन लोग की बैठकी होती है, ये गोली लगने वाले का रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर पाते और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आज रामनवमी हो या आपके मुहर्रम हो, इतनी उग्रता का वातावरण तुष्टिकरण की राजनीति में कैसे बना, मैंने विस्तार से डिटेल में पहले बता चुके हैं। सर, एक सवाल है। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि जो अलायंस इंडिया बना है उसे एनडीए में डर है, सारे भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में धो देते हैं। देखिए, क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने ही ने कहा था जिस क्षेत्र से चुनाव जीत के आते हैं, कहते हैं मैं राजद में कभी नहीं जाऊंगा, पान की दुकान खोल लूंगा। आज जिस राजद के साथ गलवहियां करके, जिन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध इन्होंने कोर्ट में केस करने के लिए गए थे, उनके कारण श्रीमान लालू प्रसाद यादव जेल भी गए हैं। आज उस लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को महान बता रहे हैं। ऐसे मानसिकता और विचारधारा के लोग की विश्वसनीयता बिहार की जनता भी समझती है और इन पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। तो अभी आपने देखा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने महागठबंधन की सरकार का एक साल पूरा होने पे बड़ा बयान दिया और साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पे है। बिहार में दारू माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया की भागदारी सरकार के लिए समझौता बन गई है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ललन सिंह पहले कहते थे कि हम रोड पे पान बेच लेंगे लेकिन राजद के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं राजद के साथ आज गलबहिया कर लिए हैं। और जिस लालू प्रसाद के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा था, वहीं लालू प्रसाद यादव के गोद में बैठकर और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को महान बता रहे हैं। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।